नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। हापुड़ में कोविड-19 संक्रमण को बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए डीएम ने रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया। हापुड़ के गांव सलाई में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला, 6 नामजद व 1 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। हापुड़ के सिटी कोतवाली पुलिस ने दिल्ली रोड पर चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को 78 पेटी अवैध देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार। हापुड़ के नेशनल हाईवे 9 स्थित मॉडल शॉप पर शराब के पैसे को लेन देन को लेकर सेल्समैन के साथ हुई मारपीट, अस्पताल में किया गया भर्ती। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे, पहले से तय परीक्षाएं हो सकेंगी। यूपी में भी बेकाबू हुआ कोरोना रिकॉर्ड, 12,000 नए केस आए सामने। यूपी में कोविड-19 के चलते धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 लोग को ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति, आदेश जारी। हापुड़ के शिवपुरी निवासी शख्स ने अज्ञात चोर द्वारा घर के बाहर से स्कूटी को चोरी कर ले जाने का कराया मुकदमा दर्ज। हापुड़ के हरसनी निवासी युवक ने 25,000 की ऑनलाइन ठगी का लगाया आरोप, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। हापुड़ में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते पीलखो नगर पालिका ने चलाया साफ सफाई और सैनिटाइज अभियान। अभी और भी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।